आज भी इमरान खान के लहजे में रियासत के लिए धमकी है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आज भी इमरान खान के लहजे में रियासत के लिए धमकी है। उनका कहना था कि वीडियो मौजूद है कि यास्मीन राशिद कोर कमांडर के घर पर हमले पर उकसा रही थी। क्या यास्मीन राशिद का भांजा एजेंसियों का एजेंट है? इन लोगों की शनाख्त हो चुकी है, क्या इमरान खान उन लोगों को नहीं पहचानते? जियो न्यूज के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान अब अपने ही लोगों को पहचानने से इनकारी हैं। हमें अदालती निजाम पर पूरा भरोसा है। उनका कहना था कि अभी फैसला नहीं हुआ कि उन पर आर्मी एक्ट किस कानून के तहत मुकदमे चलाने हैं। शुहदा के यादगारों पर हमले होंगे तो आर्मी एक्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने यह भी कहा कि मुल्क में आग लगी है और आप इस बहस में हैं कि यह कानून अच्छा है या बुरा। ऐसे लोगों को आर्मी एक्ट में नहीं तो क्या आवारागर्दी के एक्ट में पकड़ें? उन्होंने कहा कि पुलिस से पूछ ले कि आजम नाम किसके लिए इस्तेमाल होता है। आजम के साथ सवाती लगाकर इमरान खान ने किसको पैगाम भेजा? वजीर दिफा ने कहा कि 9 मई के वाकयात में जो भी मुलव्वस हो नहीं छोड़ा जाएगा। इमरान खान ने एक मरतबा भी इन वाकयात की मजम्मत नहीं की।